अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मुनीर शाह। आप देख रहे हैं पसे पर्दा सच ऑफिशियल, निगेबान पाकिस्तान और बिहाइंड दीवार। लोग कहते यार तीन तीन नाम लेना है, एक लिया करो नाम। एक तो ये काले भी है, शुरू हो गया था, हफ्ते का दिन है। अच्छा जी, चलो जिसको काट दी है। जो नए आए चैनल सब्सक्राइब भी करें। जो मैंने यूट्यूब लाइव करना था, किसी ने व्हाट्सअप के ऊपर अपना तारफ नहीं लोग ही करा दे, वो कहते यूट्यूब जो है ना टेस्टिंग देता है, जो आप कर रहे हैं ना, जब तक मोनेटाइज नहीं कर लोगे उस वक्त तक आपका ही लाइव नहीं चलेगा। तो मैंने कहा मैं बता दूँ, जब तक है मौके तो करेंगे, आपके तजावीज जाए रहेंगे। अब हमारा टॉपिक जो है ना वो है सोशल मीडिया के न्यूज़ व्यूज़, तो सोशल मीडिया के टोटे और हमारी माहराना राय। एक शेर सुनना सुना देते हैं, ये आपको उसकी नज़र। ये किसी ने नज़म भेजी थी, थोड़ी सी बड़ी है, 3-3.5 मिनट की, तो मैंने कहा मैं सुनवा दूँ। तख्तादार पर लटकेंगे लेकिन अवाम निकलेगी। तो फिर इमाम खमीनी जब आया था, आए थे कह लो, या आया था बुज़ुर्ग थे कह लो, वो अवाम उसके साथ थी। वो शायरान की सकी भांजी के घर में मुलाजम था, यहाँ पे उनका ज़ाफरान और हैंड निटेड कारपेट का कारोबार था। उसका बेटा था असफंद यार, तो वो बेचारी रोती रहती थी। महल था, बहुत बड़ा महल, अभी भी है, जहाँ मेरे भाई का रेस्टोरेंट था ना, तो उसके उसी मोहल्ले में ऊपर करके था, तो मैंने वहाँ पे नौकरी करता था। तो वो बस बेचारी रोती रहती, कारपेट इधर से उठाते उधर रखते, उधर से उठाते उधर रख, तो वो एक कमरे में एक पूरा कमरा, या ये जर्मनी है ना, खत बड़े लिखते हैं, बात बात पे कोई दिन खाली जाता है कि मुझे कोई खत ना आए। मसलन कल महकमा सेहत की तरफ से आया कि तेरे टीके लग रहे, तुझे साइड इफेक्ट तो नहीं, अगर डॉक्टर से जाकर के हमें रिपोर्ट करे। वो खत पाता उन्हें, फ़ोन नंबर में फ़ोन किया, मैं कि मुझे तो अभी तक कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ, तो मैं ठीक हूँ। मैंने कहा मैं ही रिपोर्ट कर दूँ, तो वो उन्होंने उठाया ही नहीं था। तो वो खत एक कमरे में खत ही खत भरे हुए थे। तो वो फिर वकील उनका आता था, वो बताता था, तो मुझे कहती थी इसके लिए ये ले आओ, चाय ले आइए। वो पाकी का बड़ा ख्याल रखती थी, नमाज नमाज मैंने पढ़, वो असफंद यार फर्ज ही पढ़ता था मेरी तरह। तो कभी कभी उसका ड्राइंग नाम नीचे था, इंडोर स्विमिंग पूल पहली दफ़ा मैंने देखा था, आउटडोर तो देखे थे पीजी होटल में, भी इंडोर देखा था। बात किधर से किधर चलेगी, तो इनकलाब आएगा ज़रूर, पता नहीं खान ले आए करने लगे। जितनी बुक नंग ये हाजी साहब ने कर दी है ना, और बंदियाल साहब ने अपनी निगरानी में, इनकलाब और खूनी इनकलाब बिल्कुल दाने पर खड़ा हुआ, बैंकरप्सी बिल्कुल दाने पर खड़ी हुई है। अब ये इन्होंने तो बाग बुक जाना, ये मैसेज आने शुरू हो गए, जब कॉल अटेंड करो तो धड़ाधड़ मैसेज आ रहे, चलो आते रहें यार, हमें क्या लगे रहे मुन्ना भाई MBBS। अच्छा जी, आगे ही बात करने एक और सुन रहे जी, छोटी सी visit, a delegation of 9 people, a number of them actually living outside Pakistan, actually Americans, in one case an imam who's living in Britain, but some within Pakistan, and most importantly, Jacob, a former Pakistani minister, and maybe no less important... ये कह रहे हैं इमरान खान इसराइल को तस्लीम करने में सबसे बड़ी रुकावट था, इसराइल का टीवी कह रहा है, ये चैनल 24 आप खोलें, ये देखो इसराइली टीवी, ये 24 टीवी इसराइली। अब ये कह रही ये आए हैं, ये जिद्दत पसंद हैं, जिद्दत पसंद ही फजलुरहमान और लंगड़ियाल भी साथ लाए थे, जिद्दत पसंद। तो वो कह रहे इमरान खान इसराइल को के ताल्लुकात में मेन रुकावट था, जिसकी वजह से हमने इसको कला कमा किया या करवाया। उसने कहा किया, इसने कहा कैंकर ने पूछा किया, देने के नहीं करवाया किया, एक बात ये कि एक और ये सारी जिंदगी जमहूरियत और इलेक्शन इलेक्शन के रट लगाने वाले, रिट
लगाने वाले PMLN और PPP इमरान खान का इलेक्शन में मुकाबला करने से ही भाग रही है। तीसरी बार बलदियाती और जिमनी इंतखाब रुकवाने के लिए इलेक्शन कमीशन पहुंच गई। ऐसे रो रो कर जिद कर रही जैसे बच्चा जमीन पर लेटता है और आप बारह वो एक अकेला है। हीटर चला लो अंदर यार, सर्दी बड़ी प्यार ठंडे हो गए। ये अमीर बाद साहब ने किया जी, तो ये भी मेरी तरह इमरान खान को खड़काते भी रहते हैं लेकिन छोड़ते भी नहीं हैं। क्या किया जाए, और आगे च्वाइस ही कोई नहीं ना जी, तो इस वजह से लगे रहो जो मैसेज आ रहे हैं तो आते रहे। एक और मैं आपको दिखाना है, जनरल रिटायर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर रजा मेहदी साहब का ये इंटरव्यू है जिसमें पहले भी दिखाया। खुदा की कसम खा के कह रहे कि बाजवा ने मुल्क भेज दिया, अब तक इस पे अजाब आ जाना चाहिए था लेकिन अल्लाह ताला जब देता है तो उस वक्त अजाब देता है। इसके तो आप करके दिखाए ना राणा सना, तो जवाब दे दे। अगर आप मेरे से अंदाजा मांगना चाहती हैं तो मैं तो आपको पहले दिन से कह रहा हूँ बाजवा ने पाकिस्तान भेज दिया अमरीका के हाथ। खुदा की कसम मैं कसम खाने के लिए तैयार हूँ, अल्लाह मुझे माफ करे, मुझे मैं कसम खाने के लिए तैयार हूँ कि बाजवा ने पाकिस्तान बेच दिया है अमरीका के हाथों। बहुत शुक्रिया बाजवा साहब। मुझे ये अभी देखकर रिटायर जाने, इसका नाम अभी तक नहीं ECL में डाला, इसके ऊपर FIR नहीं कराई राणा या बाजवा तनु वरना जो है थलो इसको करके तो सारे जनरल इसके खिलाफ हो जाने, इस वजह से उसने ये बात भी नहीं की। अच्छा जी एक और सुन लें जी, तब से उनके पिछले 11 साल से वो तरक्की याफ्ता खुश धड़ाधड़ तरक्की याफ्ता खुशहाल सिंध बना रहे हैं और बड़ी मेहनत से बना रहे हैं। वो तरक्की याफ्ता खुशहाल सिंह जिसका लाड़काना गटर ज़दा है, थर भूख ज़दा है, रत्तो डेरो HIV एड्स ज़दा है, लियारी प्यास ज़दा है, कराची कूड़ा ज़दा है। वो तरक्की याफ्ता खुशहाल सिंह जिसके कराची में 500 गैर कानूनी प्लाजे बन गए हैं, जिसके रिफाई प्लाट पार्क कब्रिस्तान तक बिक गए हैं और जहाँ फंड लग गए नहरी खाले नहीं, जहाँ पैसे खर्चे गए सड़कें और पुल नहीं, स्कूल ऐसे के फर्नीचर घोस्ट, उस्ताद घोस्ट, तनख्वाहें घोस्ट, 10 अरब की गंदम चोरी हो गई, 100 लापता गाड़ियां लापता है, सालाना 1.25 अरब मेंटेनेंस और पेट्रोल का खर्चा। वो तरक्की याफ्ता खुशहाल सिंध जहां अपने पावर प्लांट्स के खुद ही रेट मुकर्रर किए जाते हैं, जहां गन्ने गंदम ट्रैक्टरों की सब्सिडी खुद ही खा ली जाती है, जहां ओमनी ग्रुप 2008 में PP हुकूमत से पहले 1 शुगर मिल 2 कंपनियां, आज 15 शुगर मिले 93 कंपनियां, संते असासे और मुबैना तौर पर बाहर जदादे अलग। वो तरक्की याफ्ता खुशहाल सिंध जहाँ 25 वालीम वाली GIT मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्ट से कुत्ते खुराकों से हैप्पी बर्थडे केकों तक तरक्की और खुशहाली डुल डुल जा रही है। वो तरक्की याफ्ता खुशहाल सिंह जिसका बाल बाल कर्ज में जकड़ा हुआ है मगर काबीना के इजलास दुबई में भी होते हैं, जिसके बारे में अदालत कहती है सिंध करप्ट तरीन बजट का 1 पैसा भी अवाम पर न लगे, जिसके बारे में अदालत कहती है सूबा ठेके पर दे दो अगर नहीं चलता, जिसके बारे में अदालत कहती है रेवेन्यू डिपार्टमेंट में डाकू बैठे हुए हैं, जिसके बारे में अदालत कहती है लांचों में पैसा कहाँ जाता है, जिसके बारे में अदालत कहती है एक घर तो डाइन भी छोड़ देती है, अदालत कहती है 105 करोड़ लगाकर 1 बूंद पानी भी नहीं। वो तरक्की याफ्ता और खुशहाल सिंध जहाँ निशवा मर जाए, जहाँ उम्मे रुबाब चांडियो इंसाफ के लिए रो रही, जहाँ असमत की असमत लुटी जाए। देखिए बातें करना बड़ी आसान है, आईनी इश्यूज, बखेड़े, 18वीं तरमीम, सिंध कार्ड, फलाना, फलस्तीन, OIC, छुपी साजिशें, बहुत आसान है, बताना काम करना बड़ा मुश्किल है। 3 नस्लों से ये जो हमारा अरबपति है बिलावल, 3 नस्लों के भूखे नंगों का लीडर जो है, झूठ क्या किया जाए, झूठ का क्या किया जाए, और एक सराय की कहावत है कि उस शख्स का क्या किया जाए जो मुंह पर मुकर जाता है उन, और या जो दरिया के दूसरी तरफ खड़े होकर गालियां दे रहा हो, तो क्या किया जाए, झूठ है मुनाफा। ये भट्टी साहब को ये अर्ज करना था, थोड़ी सी रिसर्च जो करना है ना, वो जो उसकी तो एक आधी मिलती है ना, हमारे इंजीनियर मिर्ज़ा मसरूर साबित होते हैं, जिगर जान अपने जिगर जान गुलिया जिगर जान, वो सारी जरदारी की हैं, उसकी कहाँ ख्वाजा साहब की कहाँ से आ गई। तो इसको ये एक और ये देख लें जी,
फौज की ईंट से ईंट बजा देंगे कहने वाले जरदारी को कब गिरफ्तार करोगे। ये जलसे में भी उठाया, खान का जलसा छा गया, नींद आराम हो गई मोहतरम बाजवा साहब, मोहतरम बदियाल साहब, मोहतरम अतर मिनल्ला साहब, मोहतरम अमीर भट्टी साहब, मोहतरम अमीर शेख साहब, इनकी नींदें की नींदें उड़ गई हैं कि ये क्या हो रहा, हम किस तरह, हम तो पैसे पकड़ के हमारे तो बयाना ही आया था, बाकी कहाँ से चले गए। इसके बाद एक करनी मेरी पुर्तगाल वाली ब्रेकिंग न्यूज़ गौर से सुननी, लोग अब शुरू हो गए, पता नहीं साबर शाकर भी हो गया, वो मोहित पीरजादा भी हो गया, फलाना ढमकाना, लोगों की सुनी। मैं कहता हूँ मुझे बंदे ने खुद बताया कि यार इतने पैसे आ गए मेरे पास है, इस तरह कोई बताएगा, कोई नहीं बताएगा, इस तरह हम बताएं। मैं उसी वक्त करता हूँ कि जब वो कहता है, क्योंकि उससे काम करवाते हैं, इस वजह से पता है, वो पंजाब गवर्नमेंट लाना है ना तो वहाँ से करके। बाद लोगों ने कहा, आज किसी ने कहा था 1,00,000 रुपया पाकिस्तानी दो, मैं यार मेरे को 4,00,000 ला, मुझे दिलवा पासपोर्ट, यहाँ 10,00,000 में नहीं मिलता पासपोर्ट। तो वो आ गया जी, लोगों को पता नहीं होता बेर दी बेग किधर है गई, तो शुरू हो जाते हैं बैठ के, तो यूट्यूबर यूट्यूबर, और पहले तहकीक रिसर्च किया करो,